नाजरीन, एक अरबपति इंडेक्स ने इंकशाफ किया कि चीन के रियल स्टेट शोबे में सेक्टर में नकदी की वजह से एशिया की सबसे अमीर तरीन खातून अपनी ने सबसे ज्यादा दौलत से गुज़िश्ता साल महरूम हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक चीनी प्रॉपर्टी टाइकोन कंट्री गार्डन में अक्सरियती शेयर होल्डर यांग की मजमू मालियत एक साल कबल 23.7 अरब डॉलर थी, जो अब 52% से ज्यादा कमी के बाद 11.3 अरब डॉलर हो गई है। चंद दिन पहले यांग की किस्मत को इस वक्त बड़ा डचका लगा जब ग्वांगडुइंग में मुकीम कंट्री गार्डन के हांगकांग में दर्ज हसस 15% गिर गए और कंपनी ने ऐलान किया कि वो नकद रकम इकट्ठा करने के लिए हसस फरोख करेगी। सरकारी मीडिया के मुताबिक यांग को ये दौलत विरासत में मिली थी। उनके वालिद और कंट्री गार्डन के बानी यांग गो कियांग ने 2005 में अपने हसस इसे मुंतकिल कर दिए थे। हांगकांग में डेवलपर की इब्तिदा अवामी पेशकश के बाद वो 2 साल बाद एशिया की अमीर तरीन खातून बन गई थी, लेकिन अब वो बमुश्किल इस एजाज के साथ रहेगी क्योंकि 52% दौलत की कमी की वजह से वो इस एजाज से महरूम हो जाएगी।